डियर स्टूडेंट्स, हमने कल एक नया चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम था इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में मैंने आपको कल बताया कि इंडेक्स नंबर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वक्त के साथ साथ जो महंगाई बढ़ रही है उसको नोट किया जा सके और उसको नोट करने के बाद उसे उसी हिसाब से अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जाएं जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो। ठीक है जी, तो कल वाली फाइल खोलते हैं। ये रही आपकी स्क्रीन पर। अब जरा कंफर्म कीजिएगा कि मैंने दोनों आपको एक्सप्लेन किए थे या सिर्फ एक ही एक्सप्लेन किया था, फिक्स बेस ईयर मेथड और चेन बेस मेथड। जरा कंफर्म कीजिएगा प्लीज चैट में। दोनों कर लिए, ठीक है ना। तो फिक्स बेस ईयर मेथड एक समझाया था और एक चेन बेस मेथड समझाया था। फिक्स्ड बेस ईयर में बताया था कि इसमें बेस ईयर फिक्स होता है, हर साल को एक ही ईयर से कंपेयर किया जा रहा होता है, हर ईयर को एक ही बेस ईयर से कंपेयर किया जा रहा होता है। जैसा कि कल हमने एक सवाल किया था फिक्स्ड बेस ईयर मेथड, जिसमें 2008 से ही हर ईयर को कंपेयर किया जा रहा था। इसके बाद जब हमने दूसरा किया उसमें हमने क्या किया कि दूसरे में हमने ये किया कि चेन बेस मेथड था। चेन बेस मेथड कौन सा मेथड होता है, उसके अंदर हाथ के हाथ करंट एयर भी चेंज हो रहा होता है और बेस एयर भी चेंज हो रहा होता है। तो हमने यही देखा कि करंट एयर भी चेंज हो रहा है और बेस एयर भी चेंज हो रहा है। आज हम एक नया मेथड करेंगे जिसको कहते हैं लेस पेयर्स इंडेक्स नंबर। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू मेथड व्हिच इज कॉल्ड लेस पेयर्स इंडेक्स नंबर। ठीक है जी, अब बेसिकली जो हम मेथड इंडेक्स नंबर डिस्कस करेंगे वो इस तरह से होता है कि उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। अभी तक जो हमने सिंपल इंडेक्स नंबर पढ़ा है उसके अंदर दो चीज़ें, एक प्राइस है, वो अभी सिर्फ प्राइस ही थी, बल्कि अब जो हम डिस्कस करेंगे उसमें दो चीज़ें होंगी, एक प्राइस भी होगी साथ में क्वांटिटी भी होगी। क्योंकि ऐसा होता है कि क्वांटिटी की हिसाब से भी जो है ना बड़ा वक्त के साथ साथ उसमें चेंज आता है। तो आइए हम लिखते हैं। पहले एक सवाल लिखते हैं, कंप्यूट वैल्यू इंडेक्स नंबर। इसमें वैल्यू लिखा हुआ ना जरूरी नहीं, नजर आ रहा है ना जो मैं लिख रहा हूँ आप लोग? जी बोलिए आतिम। कंप्यूट वैल्यू इंडेक्स नंबर ऑफ द फॉलोइंग डेटा बाय लेस पेयर्स इंडेक्स नंबर। By less pairs index number. Okay. अब less pair index number, इससे पहले कि हम सवाल लिखें पहले हम लिखते हैं इसका formula.
इंडेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय आई, क्योंकि जो जो सिर्फ प्राइस इंडेक्स नंबर होता है वो पी से डिनोट होता है। जो वैल्यू इंडेक्स नंबर होता है, यानी इसके अंदर दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक तरफ प्राइस और दूसरी तरफ क्वांटिटी, उसको आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है जी, आई इसके साथ एल लिखते हैं साथ में, क्योंकि एल इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये जो होता है इंडेक्स नंबर, ये पाशीज एक फार्मूला है वो भी है और फिशर एक फार्मूला है वो भी है, लेकिन हम ये लेस्पियर्स फार्मूला करें तो इसलिए हमने इसमें ये मेंशन किया है। अगर ये अकेला होता तो हमें शायद इसमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन क्योंकि इसमें तीन बंदे हैं जिन्होंने ये लिखा है, इसलिए हमने इसमें मेंशन करने की ज़रूरत है। ठीक है जी, तो इसका फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ पी एन क्यू ओ डिवाइडेड बाय सम ऑफ पी ओ क्यू ओ मल्टीप्लाइड बाय 100। ये है लेस्पर्स इंडेक्स नंबर का फार्मूला। अब इसमें क्या होता है, प्राइसेस इसमें दो गिवन होती हैं लेकिन क्वांटिटी इसमें सिर्फ एक ही गिवन होती है। प्राइसेस इसमें दो गिवन होती हैं लेकिन क्वांटिटी इसमें सिर्फ एक ही गिवन होती है। आइए आपको दिखाते हैं। आई एल, बल्कि पहले सवाल लिखे ना, हाँ सही। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। प्राइस, प्राइस के लिए मर्ज करना होगा हमें। दूसरा कॉलम बनाएंगे क्वांटिटी, शॉर्ट में क्वांटिटी को मैंने इस तरह से लिख दिया है। बहुत स्लोली स्लोली, बहुत आसानी से इंशाल्लाह आपके समझ में आ जाएगा, और फाइव ईयर के बहुत सारे सवाल आप करने के काबिल भी हो जाएंगे। ठीक है, 2019, 2020, 2019 की प्राइस 150, 360, 69, 121, ठीक है जी, 167, 378, 158, 150 क्वांटिटी 250, 357, 159, 254। तो अब सवाल ये है, कंप्यूट द वैल्यू इंडेक्स नंबर यूजिंग लेस्पियर्स फार्मूला। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है जी, ये सवाल है आपके सामने, ये मेरे वो निकल गया था, पता नहीं आवाज़ मेरी क्लियर आ रही थी या नहीं, आई डोंट नो, अब शायद बेहतर हो गई होगी, या तो क्योंकि माइक से नहीं, वो डायरेक्ट लैपटॉप का माइक चलना शुरू हो गया था, अब मुझे पता ही नहीं चला। कैन यू हेयर मी, प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा। अब ये सवाल जब आता है तो आपको कुछ कॉलम्स बनाने होते हैं, इस सिचुएशन में स्पेशली दो कॉलम बनाने होते हैं।
एन क्यू ओ डिवाइड बाय पी ओ क्यू ओ जब भी लेस पेयर्स का फॉर्मूला आता है तो आपको दो कॉलम बनाने होते हैं, एक होता है पी एन क्यू ओ और दूसरा होता है पी ओ क्यू ओ, ठीक है जी। तो अब पी एन मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं इसकी डिटेल लिख रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर डिटेल लिख रहा हूँ। पी एन होता है प्राइस ऑफ ईयर और प्राइस ऑफ करंट ईयर। पीएन किसे कहते हैं, प्राइस ऑफ न्यू ईयर या प्राइस ऑफ करंट ईयर, जो लेटेस्ट ईयर होगा उसे प्राइस ऑफ न्यू ईयर या करंट ईयर कहेंगे। पीओ क्या होता है, प्राइस ऑफ ओल्ड ईयर, बेस ईयर। क्यू एन नजर आएगा, क्यू एन नजर आएगा, quantity of new year or current year, QO नजर आएगा। लेकिन last pairs में QN नहीं है, लेकिन अगले ही सवाल में आपको नजर आ जाएगा ना, इसलिए quantity of ओल्ड ईयर और बेस ईयर। इसको क्वांटिटी ऑफ ओल्ड ईयर भी कह सकते हैं और क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर भी इसको कह सकते हैं। तो पी एन पी ओ क्यू एन क्यू ओ ये चार इसमें नजर आते हैं। अब देखें जो पहला कॉलम इसके अंदर वो पी एन क्यू है, इसका मतलब ये है कि प्राइस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ ओल्ड ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ ओल्ड ईयर। नई ईयर की प्राइस को, नए ईयर की प्राइस को ओल्ड ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। नए ईयर की प्राइस को ओल्ड ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा तो प्राइस ऑफ न्यू ईयर हमारे पास 2020, तो प्राइस ऑफ न्यू ईयर हमारे पास है 167, इसमें नजर आ रही है आपको। अब 167 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ओल्ड ईयर की क्वांटिटी से, दैट इज 250। तो 167 को हमने 250 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 41,750, 41,750 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। आई होप कि आपकी बात समझ में आ रही है। अच्छा अब देखें इधर क्या करेंगे, अगेन प्राइस ऑफ न्यू ईयर 2020 की प्राइस क्या 378, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, क्वांटिटी से, दैट इज 357। तो 134946 आंसर आ गया। इसी तरह यहाँ पर जो प्राइस है हमारे पास वो 78, ठीक है जी, यहाँ पर प्राइस हमारे पास 78 है, मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से 159 से, तो ये आ गया 12,402। एंड द नेक्स्ट इज, मैंने सही किया या नहीं, ये मैंने आई थिंक गलत कर दिया, सही किया, हाँ सही किया, हाँ 78 इंटू 159 किया, सही किया।
नेक्स्ट प्राइस ऑफ न्यू ईयर मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ ओल्ड ईयर 54. दिस इज व्हाट द आंसर. एक टोटल के लिए हमें कॉलम चाहिए होता है वो हमने बना ली. अच्छा अब समझ में आया. देखें न्यू ईयर की प्राइस उठाई और पुराने ईयर की क्वांटिटी से हमने ये कॉलम बनाया. इसका ग्रैंड टोटल भी करेंगे तो ग्रैंड टोटल आ रहा है 227,198. सही है जी. अब हम प्राइस ऑफ ओल्ड ईयर मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ ओल्ड ईयर करेंगे. प्राइस ऑफ ओल्ड ईयर 150, क्वांटिटी ऑफ ओल्ड ईयर 250, 37,500. दोबारा देखते हैं. प्राइस ऑफ ओल्ड ईयर 360 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ ओल्ड ईयर 357, 128,520. Price of old year 69, quantity of old year 159. तो ये आ गया 10,000. सही है जी. 10,971 आ गया. इसके बाद price of old year 121, quantity of ओल्ड ईयर 254, तो ये आ गया 30,734. इसका टोटल लेंगे, टोटल आ गया भाई 207,725. जब भी लेस्पर्स फॉर्मूले से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने को कहेगा तो आपकी ये दोनों कॉलम्स तैयार हो जाएंगे. इसके बाद आप हेडिंग क्या डालेंगे जी? एडिंग डालेंगे फॉर्मूला. ये आ गया. ठीक है. सम ऑफ पी एन क्यू ओ, सम ऑफ पी एन क्यू ओ है हमारे पास 227,198 डिवाइडेड बाय सम ऑफ पी ओ क्यू ओ है हमारे पास 207,725 मल्टीप्लाइड बाय 100 आ गया. सही है जी. 227,198 डिवाइडेड बाय 207,725 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो ये आ गया 109.3744%. ठीक है जी. तो ये है हमारा जवाब. फिर उसे देखिए लेस्पर्स फॉर्मूला के जरिए इंडेक्स नंबर हमने शुरू किया, हमने बात शुरू की, फॉर्मूला हमने लिखा. ये चार कॉलम जो आपको नजर आ रहा है, ये तीन कॉलम जो आपको नजर आ रहे हैं, जब लेस्पर्स का फॉर्मूला आता है पेपर में तो ये चार कॉलम्स ये तीन कॉलम्स आते हैं. ठीक है जी. ये क्वेश्चन में गिवन होते हैं, ये इसमें आपका कोई किरदार नहीं. दो कॉलम्स आपने बनाने होते हैं, वो ये दोनों कॉलम्स, दो कॉलम्स आपने बनाने होते हैं वो ये दोनों कॉलम्स हैं. इसके बाद आप क्या करते हैं, इसके बाद ये पी एन, इसमें जो पी एन क्यू ओ जो होता है सब ये हमने इसकी डिटेल लिख ली. पी एन क्या होता है, पी ओ क्या होता है, क्यू एन क्यू ओ क्या होता है. फिर हमने जब इसको सॉल्व किया, पहले स्टेप में हमने ये कॉलम्स बनाए, इनको रेलिवेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया. इसमें हमने जो ये वाला पहला जो कॉलम है हमारा ये वाला, इसमें हमने क्या किया, न्यू ईयर की प्राइस को ओल्ड ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया. इस वाले कॉलम में हमने क्या किया, ओल्ड ईयर की प्राइस को ओल्ड ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया. ठीक है जी. ओके. दोनों वैल्यूज के टोटल किया, मल्टीप्लाई बाय 100 से किया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 109.3744 आ गया. ठीक है जी. अच्छा ये हो गया लेस्पर्स इंडेक्स नंबर. अब एक सवाल आपने करना होगा, यहाँ पर मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ.
जी, सवाल बिल्कुल सेम होगा, तरीका भी बिल्कुल सेम होगा। वी विल चेंज जस्ट द वैल्यू, सिर्फ हम वैल्यू चेंज करेंगे। लगेगा जी क्वांटिटी भी चेंज। यही लगेगा। आवाज आपकी समझ में नहीं आ रही है यार, क्या कहना है? स्लो स्लो बोले या चैट में लिख दें मैं कह तो। रहा हूँ फॉर्मूला यही। फॉर्मूला यही है, बिल्कुल यही, कोई चेंज नहीं है फॉर्मूले के अंदर, कोई चेंज नहीं है। ठीक जी, यही वाला सवाल करना है, यही वाले फॉर्मूले से। अब आपने करना क्या है, देखें ये दोनों कॉलम्स हैं वो यहाँ बन जाएंगे, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। दिस हाउ यू विल सॉल्व दिस। आपने ये सॉल्व करना है, इसकी तस्वीर लेनी और आपने मुझे व्हाट्सएप करना है। आ रही बात समझ में? क्लियर हो गई बात? महक, जोबिया एंड जुनैरा, इस तरीके से आप इसको करेंगे, ठीक है? और मुझे व्हाट्सएप करें आप अभी, इसको सॉल्व करें और फिर इसको व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, अपने तब तक ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।